तो देखो दोस्तों कैसे भाग रहा है। देखो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़हीर फिशिंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम स्पॉट पर आए हुए हैं और आज जो खेल खेलने वाले हैं वो फीडर पॉपअप का खेल है, जो मैं दो दिन पहले अपना जो जादुई चारा रहता है वो बनाया हूँ और उसके टेस्टिंग के लिए आया हूँ कि आज देखता हूँ कि उस चारे पर हमें क्या बाइट होता है। इधर इस पॉइंट पे हर किस्म की मछलियाँ हैं, आपको कटला, रूह, मिर्गल, हर एक किस्म की मछली है यहाँ पर। लेकिन आज हमारे जो बाइट है, जो हमने बनाया हुआ है, उस पर हम लोग को क्या बाइट होएगा वो हम देखना चाहते हैं, तो उसके रिज़ल्ट देखने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं, मैं दो रोड लगा रहा हूँ। पहले तो नए एंगलर से, जो भी नए मेरे भाई लोग एंगलर हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि फीडर पॉपअप पे चारा किस तरह से लगाया जाता है और किस तरह से लड्डू बना के उसको पॉपअप लगा के कैसे नदी में फेंकते हैं और ड्रैग कितना लूज़ रखना चाहिए, फेंकने टाइम में कितना ड्रैग टाइट रखना चाहिए, ये सब दिखाऊंगा मैं भी। तो आप भी देखिए और सीखिए। पुराने एंगलर्स को तो सब कुछ पता है, लेकिन नए एंगलर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और मेरे साथ में ये एक मेरा लड़का है, छोटा एंगलर, और हम लोग दो ही लोग आए हुए हैं जो मोबाइल पे शूट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा और आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग गोप्रो भी लेंगे ज़रूर। तो देखते हैं, मैं दिखाता हूँ, अभी हमारे खेल स्टार्ट करते हैं। बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों ये फीडर है और इसको हमने दो पॉपअप लगाए हुए हैं। ये फीडर और पॉपअप भी हमने हैंडमेड बनाया हुआ है कि ज़्यादा कम खर्चे में हो और ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत ना पड़े। और ये हमारा जो है मैजिक बाइट, जो हमने बाइट बनाया हुआ है, ये हमारा मैजिक बाइट, ये बहुत ही कारगर है, जादुई चारा हम लोग इसको बोलते हैं। तो आज इस चारे पर हम लोग खेल रहे हैं। तो देखिए इधर इस तरह से चारा लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत लूज चारा लगाते हैं और बाद में वो चारा निकल जाता है, तो ऐसे मत लगाओ। इसको अच्छे से घट लड्डू बनाओ, जैसे ये पानी में निकल जाएगा, गिर जाएगा, बाद में थोड़ी देर से अपने आप ये पूरा खुल जाएगा चारा। हमें ये चारा लगा के नदी में फेंकने के बाद में दोस्तों कम से कम आधा घंटा हमें इससे को निकालना नहीं है। और आपको दूसरी बात मैं बताता हूँ, मच्छी इसको खुद ब खुद बाइट होती है, इसको हुक मारने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये मेरी शिमानो की नेक्सवी 8000 रील है। इसमें जो धागा लगा हुआ है वो स्पिक्स का है और ड्रॉड है वो जुपिटर सफारी है 8 फीट। तो इसको देखते हैं मैं कैसे फेंकते हैं, मैं दिखाता हूँ। फेंकने के टाइम में इसको ड्रैग पूरा टाइट करना है, बेल को ऊपर रखना है और इसको उंगली रखना है। देखा लड्डू लड्डू के नीचे खड़ा जा मैं पूरा दिखना ना। तो इस तरह से इसको फेंकना है। तो ये हमारे लड्डू, तो ये हमारा लड्डू पूरा एकदम अंदर चला गया है। तो अभी हमको ड्रैग को लूज करना है, टाइट नहीं रखना है, लूज रखना है, ठीक है। बेल हमारी नीचे पड़ी हुई है, इसको आप बराबर से सेटअप कीजिए धागे को पूरा, फिर इसको इस तरह से रखिए। मच्छी जैसी ही लगेंगी ड्रैग खींचेंगी, इसको हुक मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस वेट करना है, इंतज़ार करना है। मच्छी जो लगती है वो बहुत सबर का काम है, बहुत जल्दी का काम नहीं है दोस्तों, इसको बहुत वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने लड्डू नदी में फेंका और फटक से मच्छी लग गई, ऐसा नहीं है। बहुत बार मिस भी हो जाती है, लेकिन हमको वेट करना है, सबर करना है। इंशाल्लाह देखते हैं जो भी शिकार होगा वो आगे दिखाता हूँ मैं। देखा दोस्तों कुछ तो बड़ा बाइट हुआ है,
फर्स्ट बैच हुआ है। देखो देखो दोस्तों कैसे भाग रहा है, देखो पीछे दो पीछे जा। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त बाइक हुआ है यहाँ, अपने मैजिक बाइट पे दोस्तों बाइट हुआ है, दिखिए बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों अपने कल ही हमने चारा बनाया हुआ था मैजिक बाइट, उस पर यह बाइट हुआ है। कुछ तो बड़ा है, देखते हैं क्या हुआ है। अंदर है ना, हटे ना देख। पुरोड़ खींचिंग देखो इधर आने वाला। हां सिमट के नहीं अंदर में मान नहीं लेने का, यहां लेने का नहीं जा रहा है। वो कुछ क्या है भाई, तो पकड़ो तुम तो नाटक छोटा है। वो लाल बैग है ऊपर की, इसमें चेन में ऊपर की चेन में लाल बैग है। हाँ पहले इसके यहाँ भी ले जा पानी में लग गया। हाँ मार दे पहले मत, इतना आंध लग गया कि इधर हम आते हैं। देख नीचे हो गया उसने दोस्तों, बहुत ही बड़ा रोबोट हुआ है, देखते हैं। अंदर आने चलो आ रहे तो नजदीक आ रहे थे आगे जा बोलो। Thank you.
देख सकते हैं दोस्तों, रू मार दा सलीम मार मार। मस्त बेस्ट शिकार। कितने किलो का प्लीज यार? निकाल यार, खाता काट कर। पच्चीस ले। देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा रुआ है, तकरीबन 6 से 7 किलो के आसपास का रुआ है ये। बहुत ही बेहतरीन शिकार हुआ है माशाल्लाह। इसी चीज़ का इंतज़ार था, इसी बाइट का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे जो अभी बाइट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन इसको हुक हुआ है दोस्तों, निकलने की बिल्कुल चांस नहीं। निकल रहे बराबर, एक नंबर और बेस्ट क्वालिटी। इसी काफ़ी कम मारे तुम्हें से मारे तुम्हें कह रहा था। पकड़ी सर, दोस्तों आज हमने खेल स्टॉप किया हुआ है क्योंकि हम आए थे ही लेट और हमें एक बड़ी बाइट हुई और अब थोड़ा वक्त भी शाम का हो चुका है तो हम खेल स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पर। और जो आज लगा हुआ है जो रू देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रू है, अभी ज़िंदा है दोस्तों देख सकते हैं। ये आज का खेल हुआ है, वीडियो निकालने में बहुत सारी गलतियां हुई होंगी क्योंकि मेरा लड़का वीडियो निकाल रहा है, आज जावेद भाई साथ में नहीं है। रू देख सकते हैं अभी ज़िंदा है, मुंह कैसे खोल रहा है देख सकते हैं। ये अपने जादुई चारे पे हुआ है दोस्तों बाइट, माशाल्लाह बहुत हीवी है, कम से कम 5 किलो के आसपास है। तो दोस्तों वीडियो देखिए, इंजॉय कीजिए, अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए कि दोस्तों अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो और इससे भी अच्छा बने, हम कोशिश करेंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।